Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. So guys, welcome back to my YouTube channel Darwaling Soul. I'm back with new vlog. आज आप देख सकते हो कि MG की तरफ से ऑफ रोड पूरा इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है. रोड और नो रोड ड्राइव अनचैलेंज. तो अंदर चलते हैं हम लोग इवेंट के. फिलहाल हमारे भाई लोग यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है गेट पे, आप देख सकते होगे. तो ये लोग यहाँ पे ब्रीफिंग के लिए बैठे हैं और आगे समझाने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म फिल हो रहा है. तो हम लोग ने फॉर्म फिल कर दिया. अब हम लोग जा रहे हैं अंदर. तो अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या चीज़ें सब आपको बताते हैं. ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं. और ये है इंदिरा डैम के बहुत पास में यहाँ पे हो रहा है. आप देख सकते हैं पूरा रूट गया है. तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. ठीक है, चलो. तो भाई हम लोग अंदर घुस चुके हैं और जा रहे हैं ऑफ रोडर बाइक लेके. एक्चुअली ये टूरर है, टूरर में ऑफ रोडिंग टाइप का सीन है. हम लोग एक्सपर्स लाने वाले थे लेकिन ठीक है, ये मिल गई, इससे लेके आ गए हैं. और देखते, अरे गाड़ी फिसल ली भैया, बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे. तो अभी गाड़ी हमारी फिसल ली भाई. मेरे ख्याल से ट्रैक बनाया गया है. ओ माय गॉड, हमारी ऑफ रोडर भी भाई काम नहीं कर रही है क्या यहाँ पे. तो मेरे ख्याल से मिट्टी यहाँ पे पैदा करी गई है या डाली गई है ताकि ऑफ रोडिंग वाला सीन बन सके. तो देखते हैं कहाँ तक ये ट्रैक गया हुआ है. और गाड़ी हम लोग को दिख तो नहीं रही है लेकिन ये ट्रैक बहुत लंबा है, ये दिख गया है. और गाड़ी हमारी स्लिप हो रही है भाई. अम्मू फील हो रहा है गाड़ी स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा. फिलहाल अगर अभी अम्मू ना बैठा होता तो मैं खड़े पूरी गाड़ी भाई रौन दी होती. और हमारे सामने अगर अभी कोई गाड़ी आ गई ना तो एकदम वैसा धूल मिट्टी कर देगी. देखो फिलहाल हम धूल मिट्टी करते हुए जा रहे हैं पीछे. और मैं मुँह गिरे ना, बस ये अपने को देखना है. तो सबसे पहला तो ट्रैक हमें ही मिल गया भाई. ये देखो, ये कार के लिए बनाया गया है. ओ भाई यहाँ से भाई हम लोग नीचे ना गिर जाए. अबे दूसरी बाइक लानी चाहिए थी अम्मू, है एक्सपर्ट जरूरी थी यहाँ पे. हाँ तो गाइस पहला ट्रैक देखो हमारे पीछे है जस्ट. ये देखो, ये पहला ट्रैक है, कार के लिए बनाया गया है. अब यहाँ से हम लोग चलते हैं. बहुत अच्छा इस्तेमाल, यूटिलाइज बहुत अच्छा करा गया इस ट्रैक को. तो अंदर बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बताया जा रहा है. तो कहाँ तक क्या है क्या नहीं है चीज़, चलते हैं देखते हैं. और गाड़ी इसकी आप देखेंगे क्या कैपेबिलिटीज़ हैं. तो चलो चलो, एक ट्रैक हमारे सामने. और सब जगह बोर्ड वगैरह भाई अच्छे खासा लगा दिया है. गाड़ी का पहिया यार आगे से ऐसे ऐसे भाग रहा है. मेरे हम दोनों के कपड़े गंदे ना हो, बहुत देख के चलना पड़ेगा भाई. गंदे के बाद भी गिरे ना हम लोग. हाँ बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है. हमें ऊपर चढ़ पाएगी गाड़ी, मुश्किल लग रहा है. इसको धीरे ही चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा. बूट्स पहन के आने चाहिए थे. माय गॉड, ये मेरे को ही पता है कि गाड़ी कितनी स्किड कर रही है पीछे से. अम्मू थोड़ी ओरी फ्लेम ले चलो यहाँ से. एक्चुअली ये ट्रैक पता है ऐसा बनाया गया है ना. हाँ ऐसा ट्रैक बनाया गया, मिट्टी डाल डूल के. वो देखो सामने वहाँ पे चल रही है, लोग तो गाड़ियाँ चला रहे हैं. भैया बाप रे बाप भाई, लोग 4x4 लेकर हम 2x2 लेकर आए. आप 2x2 लेके हमारे सामने आ रही है ऐसी गाड़ी भाई. आराम से हमने भाई को इशारा कर दिया है कि भाई रुक जाओ. भाई रुक गया है. तो ये देखो एक ट्रैक ये बना हुआ है. और भाई लोग यहाँ पे मजे काट रहे होंगे भाई ऑफ रोडिंग ला के अपनी. भैया गलती करी, एक गाड़ी और लानी चाहिए थी यार. ये ट्रैक में ही चलने में इतनी मजा आ रही है, पूछो नहीं अब आगे चल के क्या मजा आएगी। देखने बाजी आज के लिए बस गिरे ना हम लोग। मैं रील बनवाऊंगा यार, यहाँ पे उड़ा दूंगा गाड़ी पूरी। नेक्स्ट सीन पे अगर हम लोग हॉस्पिटल में दिखे तो समझ जाना हम गिर गए, हम लोग गिर गए। सारी ऑफ रोडर व्हीकल है, देखो UP 32 इधर, ये देखो UP 32 और एक वहाँ पे UP 32 सिल्वर कलर का ट्रक खड़ा हुआ है वो देखो। तो ये सारा सीन है यहाँ तक कि हमें पता नहीं चलता। भाई देखो वो भैया ऊपर चढ़ा दी उनने, तो काफी लोग हैं यहाँ पे ऑफ रोडिंग वाले भी और एडवेंचर करते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। फिलहाल हम लोग का वहाँ पे सेक्शन है जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो चलते हैं। आओ भाई ऑन रखना, कभी भी कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी जगह आके लगता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने लखनऊ में भी कुछ होने लग गया बढ़िया से। वो है रजिस्ट्रेशन डेस्क। वैसे यहाँ पे हमारा भाई देख रहे हो अपना पूरा सेटअप निकाल के तैयार हो गया। एंड यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहाँ का जो सिनेरियो वो ये है कि भाई देख सकते हो MG के इवेंट में और लोग यहाँ पे भाई आ रखे हैं एज अ कस्टमर, एज अ इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। वहाँ पे खड़ी है हमारी MG की कार। तो इसके जस्ट बैक साइड में हो रहा है एडवेंचर, पूरा थ्रिल्स से भरा हुआ। तो चलते हैं और थोड़ा सा ये चीज़ का मैं झलक डाल दूंगा। बाकी ब्लॉग आने वाला तो उसकी तैयारी इधर चल रही है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, थोड़ी अच्छी सीरीज़ निकालेंगे यहाँ पे। तो बाकी मिलते हैं सबसे। और तो गाइस यहाँ पे इतना बुरा सीन हो रखा है कि यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा हूँ। अपना फ़ोन जो है देखो बंद हो गया भाई, यहाँ पे दिखा नहीं रखा। हाँ देखो कह रहा लो कर लो, इसको ठंडा कर लो। तो इतना बुरा हाल है। और यहाँ पे चल रही है ऑफ रोडिंग। ये यहाँ से सामने से इंटरफेस है, देख सकते हो ये एंट्रेंस है। यहाँ से पूरा घूम के भाई अच्छे से गाड़ियाँ जा रही हैं और इस सर्किट पूरा घूम के मार के यहाँ पर पूरा आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग ने चेयर लगा रखी है। अब फोटो के यहाँ पर बढ़िया सा थंबनेल निकालते हैं, पिक्स निकालते हैं, एंड देन मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और अभी बहुत टाइम हो चुका है, तब से हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने खुद अभी जाके देखा ट्रैक को, ट्रेन को देखा। बेसिकली ट्रेन कहते हैं ट्रैक, तो वो वाला बाइक वाला होता है। तो ये ट्रेन है, सामने से यहाँ से एंटर है और उस ऐसे ही घूम के पूरा आ रहा है, एक पूरा राउंड लगा के आ रहे हैं। आप उसमें इतनी ढेर सारी चीज़ें लोगों ने डाली है ना। एंड मेरा बिलीव नहीं हो रहा कि भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये जो ग्लॉस्टर है या हेक्टर है, ये सारी चीज़ें कर ले रही है बिना अपलिफ्ट हुए। थोड़ा बहुत नीचे से गाड़ी टूट रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम ऐसे मैनुअली जाके देखने वाले हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है ट्रेन पे। फिलहाल उससे पहले ये देख लो GS है EV की, थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ मैं। आओ गाड़ी तब से धूप में खड़ी हुई है। ओहो अंदर से तो भाई बहुत सेक्सी है। इसका ब्लॉग बनाना पड़ेगा यार, है ना। कल आएंगे इसका स्पेशली ब्लॉग बनाने, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या सारी चीज़ें। फिलहाल यहाँ पे देख लो कार्बन फाइबर में ये भाई इसका डैशबोर्ड है और सॉफ्ट लेदर के साथ दिया गया है। यहाँ पे कुछ मोड्स दिए गए हैं गाड़ी को चलाने के लिए। एंड EV है तो बेसिकली यू नो अपने हिसाब से। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे गाड़ी अंदर से। और इसकी प्राइसिंग आई थिंक है, इसके बारे में सब कुछ जान के फिर मैं आप लोग को डाल दूँगा क्या है। और बैक का भी सीन काफ़ी अच्छा है। तो वैसे भी फीचर्स लोडेड तो गाड़ी है भाई, मॉरिस गैरेज की है। देख रहे हो इसकी बिल्ड क्वालिटी, देखिए इतनी बढ़िया है। हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, माइंड मत करना, ग्रैंड विटारा का शूट करने। भाई ये क्वालिटी है, भाई ये क्वालिटी है। देखो उसका देखने गए थे, उसको तो छुआ हम लोग ने, क्या ये गाड़ी है भाई, ये क्वालिटी दे रहे 18 लाख में, 14 लाख में, 9.5 से 14 लाख के बीच में मेरे ख्याल से स्टार्ट है। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे कि यहाँ का जो मेन चीज़ है कि कैसे स्टार्ट हो रहा है यहाँ का ट्रेन, तो वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, आओ। खुद ही कर लेते सोचा। बस बहुत बढ़िया राइड चालू हो गई है। तो यहाँ पे कार चालू होंगी और ट्रेन पे दिखाई देंगी। तो हम लोग करेंगे, ये देख सकते हो, ये देखो गाइस ये सारा सीन है। अभी यहाँ से शायद नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं धीरे धीरे। वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा साइड में खड़े हो जाते हैं और फिर देखते हैं गाड़ी। ये तो यहाँ का रेट है। काश हमें भी हिल असिस्ट होता। ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि भाई इतनी डस्ट पे भी गाड़ी रुकी हुई है, समझ में नहीं आया। वो भी ऐसा नहीं कि एक टायर उसका नीचे और एक टायर उसका ग्राउंड पे हो, ऐसा नहीं था। दोनों भाई ऐसी थी ट्रेन, और ये पूरी ट्रेन है भाई, देख सकते हो। ऐसे ऐसे ट्रेन भी आए, उसका नाम भी है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ चल के आपके साथ साथ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या होता है भाई ऑफ रोडिंग, क्या स्पोर्ट्स है, क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ग्लॉस्टर ने तो भाई खूब धमाल मचाया है, लेट्स सी आगे क्या होता है। एक्शन। तो गाइस हम लोग पर्सनली फिजिकली देखने आए कि कैसा ट्रेन है चलने पे, देख ही सकते हो इतनी मड है। आई थिंक तो कि कैमरा जस्टिस कर ले रहा हो कि क्या है यहाँ का सीन। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे इवेंट होते हैं गाइस अटेंड ज़रूर करा करो, क्योंकि अलग ही लेवल का थ्रिल, अलग ही लेवल का यहाँ पे एडवेंचर मिलता है। अब आओ एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, इससे उतर जाएंगे हम लोग इससे नहीं उतर सकते भाई, नीचे गिरेंगे सीधा अगर इससे उतरे तो। और गाड़ी यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आने के बाद रुक गई थी गाड़ी। तो ये सीन है भाई यहाँ का। और इसके बाद जो आगे आपको दिखाऊँ मैं, वो देखो ट्रक क्रॉलिंग कप करके है, एक वो है और एक वहाँ पे है, तो वो सब भी रिकॉर्ड करते हैं। कोई कार आ जाए, ठीक है, चलो। Now this is the time to feel it. इस तरह के इवेंट हम मंथली OTR वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। लास्ट हमने अभी कैंपिंग कार्निवल किया था, और ये हमारी पेड पार्टनरशिप है MG के साथ। ओके, नहीं होडो एक्सपेक्टेशंस तो मैंने सुना है, हाँ, एंड आई थिंक आई हैव वर्क विद यू 2-3 बार। ओके, तो सुधीर सर के साथ आप सुधीर के साथ किया है, और आप स्पीड मोटो वैगन के साथ भी आपने करवाते हैं, हाँ। So guys, this is our first train. तो अभी हम लोग बेसिकली एक सैंड का ही ट्रेन हम लोगों ने क्रिएट किया था। ये एक्चुअल में अनटच्ड एक नेचुरल ट्रेन है, ये मैन मेड नहीं है। हम लोगों ने कुछ चेंजेस इसमें बनाए, आपको नेचुरल फील देगा बहुत अच्छे, क्योंकि अभी तक जो हम लोग ऑफ रोडिंग करते आ रहे थे उसमें क्या था, सब मैन मेड होते थे, क्लोज प्रमाइसेस में करते थे। छोटा सा 4 ऑप्टिकल ऊपर नीचे वाले बना दिए और ऐसे करके फिर हो जाता था, फिर कुछ फील नहीं आता था। Okay. लेकिन इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी तक, तो उम्मीद है आप लोग भी एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग सैंड में ऊपर आ गए, अभी एक हिल डिसेंड करेंगे। It's called hill descent. हिल डिसेंट इसी के अंदर मोड है, नहीं ये एक्चुअल में इसमें क्या है कि देखिए गाड़ी के सारे मोड शिफ्ट करते जाएंगे, वो अपने आप लगाती जाएगी। Okay. इको मोड में आपका 4x2 में चलती है। Okay. उसके बाद सैंड स्नो और मड में आपकी 4 हाई में चलती है। Okay. और जब रॉक मोड लगाएंगे तो 4x4 लो में चलेगी, और उसके साथ डिफरेंशियल लॉक आपको लगाना पड़ेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बंद करना पड़ेगा, लो में अपने आप बंद हो जाएगा। अभी जैसे ये है चैलेंजिंग होती जा रही है हमारे लिए, ये चढ़ाना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क हो गया है। तो ऑन वन गो सुजू वाले में मैंने तो सुजू फंसा दी थी। अच्छा, आपने कहाँ पे चलाई थी सुजू? स्पीड मोटर वैगन के जस्ट ऑपोजिट वो। सो गाइस इट्स अ ट्रक। बाद में उन्होंने फिर ट्रैक्टर मंगवा के चलाया था। हैंड अप, चलते हैं, मैं अंदर से कर ले रहा हूँ। लेट्स गो ऑन वन गो। वाह, नेक्स्ट लेवल आई थिंक। थोड़ा सा रह गई, अब हमें पूरा नीचे जाना पड़ेगा। तो अब बैक जा रहे गाइस। ये बीच से ऑन वन गो नहीं हो पाया। नहीं, ऑटोमेटिक में क्या है कि ऑटो उसमें मैनुअल मैंने शिफ्टिंग डाली थी, बट मैं शिफ्ट कर नहीं पाया। ओके, तो दिस इज द रीजन। आप अभी देखिए शिफ्ट करेंगे, आराम जाएंगे, लेकिन ट्रैक देखिए कितना गंदा हो चुका है। हाँ, M1, let's go. Next level, चढ़ गई इस पे भी चढ़ी। हो गया। सुधीर सर अबंडन दिस ट्रैक, हमें बीच वाला ट्रैक खुलवाना पड़ेगा। बीच वाला खुलवा दीजिए किसी से भूल के। तो अब ऑटो होल्ड पे ऑटो होल्ड। राइट नाउ इट्स ऑन ऑटो होल्ड एंड आप देख सकते हो नीचे नहीं जा रही है, खड़े होना मुश्किल, यहाँ पे नहीं रुकेगी, सैंड में किससे चली जाएगी। उसके बाद भी देखिए कैसे रुकेगी स्टिल। दिस इज द कमेंडेबल फीचर ऑफ एमजी। हम लोगों को जब गाड़ियाँ मिली आज से 10 दिन पहले ट्रैक प्रिपेयर करने के लिए, सो हम लोगों ने पहले सोचा था कि भाई इसके साथ सॉफ्ट रहना है इस गाड़ी के साथ, बट इतनी बैडएस व्हीकल है ये, इतनी पावर है इसके इंजन में, ट्विन टर्बो इंजन, और जो पावर है सुबह से हम लोग इसको रगड़ रहे हैं, आप समझिए सुबह से रगड़ रहे हैं हम लोग इसको। बिकॉज दिस रिमाइंड्स मी अ लॉट अबाउट हेलो जीएलएस। हाँ भाई, अरे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा जिसपे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, किसी से पूछ लीजिए, बस वहाँ पे कराइए, मैं वहाँ 2 मिनट मुझे दे दो, मैं एक्चुअली में ट्रैक पे ही हूँ, ट्रैक से वहाँ तक आने में 2 मिनट लग जाएंगे मुझे। ये दो अभी इस टाइम पे क्या होता है, एक पहिया हवा में होता है, दोनों हवा में है इस समय, उधर और उधर। और हमने अभी अभी डिफलॉक लगाया नहीं, उसके बाद भी नहीं लगाया, निकल ये एक्सेल पेंट, यहाँ पे 37 डिग्री हम लोग एक्सेल पेंट करते हैं। अभी तो डिग्री ख़राब हो गई है पूरी सुबह से, बट ओके भी कुछ बची है। नेक्स्ट लेवल है भाई। स्पीड जब हम लोग करते हैं तो पहले अब ये वाली पहिया हवा में होती है, उसके आगे की पहिया बहुत ऊंचे हवा में जाती है, अभी इसमें लगभग 2.5 से 3 फीट ऊपर जाती है, पीछे की पूरी पहिया हवा में। आगे से आगे नेक्स्ट लेवल भाई, नाइस। भाई क्या टरेन मारी है इस गाड़ी ने, ग्लॉस्टर ने भाई। हमारी तो अंदर बैठे बैठे लिटरली, अगर आप फ़ोन में वीडियो देखी होगी ना आपने, तो आप देख सकते होगे कि किस एंगल पे थी गाड़ी, कितनी डिग्री एंगल होगा अनुमान लगाना मुश्किल है, बट जो भी था बहुत ही अनबिलीवेबल था। हाँ, और कुछ फॉर्च्यूनर भी ये कर नहीं पाएगी जो इसने नहीं, अभी हम लोग बिना वो करवाए ऐसा बोल नहीं सकते, बट हाँ गाइस, बट सिर्फ मैं एक कहूँगा, जैसे सैंड में जब ऊपर से डाउन हिल आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो होल्ड होता है उसमें क्या होता है, डस्ट की वजह से गाड़ी स्लिप होती है, नीचे जाती है, बट वो हो नहीं रहता। ये तब भी वहीं पे जो ये रुकी हुई थी, वहीं पे वो रुकी हुई थी, एकदम होल्ड पे थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा इसका। लाइक ड्यूरेबिलिटी बहुत एक लाइक लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग जो पर्क्स होते हैं ना, आप लोग फॉर्च्यूनर मॉरिस गैराज गाइज, नो डाउट ये हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था, एंड ये एक्सपीरियंस ने ऐसा सिक्सर मारा है ना, I'll say the Brits are going to rule again। हाँ यहाँ पर हम लोग अभी ये देखो, इस ट्रेन का हाल देखो क्या हो रखा है, एंड भाई गाड़ी यहाँ से निकल रही है, तो मज़ा आ गई नो डाउट। वेल गर्ल्स, नाउ इट्स टाइम टू लीव, एंड इन लास्ट हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत औसम रहा। हम लोग जब आए थे ना, तो हम लोग आए थे देख रहे हैं हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, बट जब उस गाड़ी में बैठे हैं भाई, और बैठने के बाद जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है अलग ही लेवल का थ्रिल था, अलग ही लेवल का एडवेंचर था। एंड बहुत सारे लोग आ रखे हैं, देख रहे हो। और फिलहाल अपना लखनऊ भाई ऐसे भी दिखता है, ये देख लो। ये मत कहना कि भाई लखनऊ में घास घूस नहीं है, काफ़ी एडवेंचर आप लोग कर सकते हो। देखो ऐसा लगा सोनमार्ग में खड़े हैं, है ना। अबे हाँ बता देना सोनमार्ग में खड़े हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो काफ़ी अपग्रेड लेवल की भाई गाड़ियाँ, Isuzu D-Max आ रखी हैं। एंड मज़ा आ गया भाई, इन द लास्ट बहुत मज़ा आई। अब जाके जलाने वाले अपने दोस्तों को देखो, एडवेंचर करके आए। और काफ़ी जल्दी हम लोग बाइक के साथ भी एडवेंचर करने वाले हैं और ऑफ रोड करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है गाइस, कल 13 को और खुला है ये इवेंट, आप लोग आ सकते हो। गाइस आर मोस्ट इन्वाइटेड इन दिस इवेंट, कोई भी आ सकता है भाई, सबको ड्राइव मिलेगी। एंड या सो होपफुली गाइस, होप करता हूँ आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा ये व्लॉग डू कमेंट। एंड बाकी कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी रिलेटेड टू इट्स, यू नो, गाड़ी के बारे में। एंड अगर आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव के लिए भी घर पे बुला सकते हो गाड़ी को। तो बस होप करते हैं ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो उन्हें तो ड्रेड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ किसी बड़े से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।